क्या आप भी चाहते हो दोस्तों कि आपका चेहरा आपके ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में, वीडियोस में दिखे और इस तरीके से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे से वीडियो बना पाए? तो उसके लिए आपको चाहिए है एक बहुत ही अच्छा सा वेबकैम। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट 3 वेबकैम्स जो आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज कर सकते हो। और सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि कोई भी वेबकैम सेलेक्ट करते हुए आपको कौन सी 3 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 3 चीजें जो आपको आपके दिमाग में रखनी है और वो आपके वेबकैम में आपको ढूंढनी है जो आप परचेस करने वाले हो। तो सबसे पहली चीज है रेजोल्यूशन। दोस्तों रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेजोल्यूशन अगर अच्छा है तो ही आप ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट और वीडियो एडिटिंग में काफी अच्छे काम उसके साथ कर सकते हो। अदरवाइज आप ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट वो आपके वीडियोस को अच्छे से नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपका जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो पिक्सेलेटेड रिकॉर्ड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपका रेजोल्यूशन कम से कम 720p आपके वेबकैम में रिकॉर्ड हो। दूसरी चीज होती है फ्रेम रेट या फिर FPS। तो आपके इसमें मिनिमम 15 FPS होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि स्टटरिंग या फिर गैप्स होते हैं या फिर पॉज होता है ऐसा लगता है उसमें। तो मिनिमम 15 FPS चाहिए। आज मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो सारे के सारे 30 FPS पे बड़े ही आराम से रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे आखिरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है दोस्तों माइक्रोफोन। अब कोई भी माइक्रोफोन आप यूज कर सकते हो, बट अगर आप इतने पैसे खर्च करके कोई वेबकैम यूज कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो आपको उसके साथ एक अच्छा वेबकैम तो मिलना ही चाहिए, उसी के साथ माइक्रोफोन भी उसमें अटैच होना चाहिए। अब दोस्तों वेबकैम में अटैच्ड माइक्रोफोन का फायदा ये होता है कि आपको कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बट कोई भी वेबकैम 100% ऑडियो को फिल्टर नहीं कर पाता। तो आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन अगर खरीदना है तो आप खरीद भी सकते हो, बट एक एडिशनल फीचर अगर आपके वेबकैम में होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल्स लेते हुए या ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आपको काफी ज्यादा सहूलत उसमें मिल जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए। अब चलिए देखते हैं काउंटडाउन हमारे बेस्ट 3 वेबकैम्स का। तो दोस्तों नंबर 3 वेबकैम जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है लॉजिटेक का C270। अब दोस्तों ये सबसे अच्छा बजट वेबकैम है जो आपको बेसिक HD क्वालिटी का रिकॉर्डिंग 100% देगा, और उसके अंदर आपको एक बेसिक वाला माइक्रोफोन भी मिलेगा। तो उसका सबसे पहला फीचर है कि 720p का आपको HD रिकॉर्डिंग इसमें करते आएगा, और इसमें ऑटो लाइट करेक्शन का एक बेसिक ऑप्शन भी मिलता है। बट ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट कॉस्ट के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन वेबकैम आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके साथ आपको एक माइक्रोफोन भी मिलता है इनबिल्ट ही, जो नॉइस कैंसलेशन भी कर सकता है एक लिमिट तक का। अब ऑब्वियसली कोई भी वेबकैम या कोई भी माइक्रोफोन 100% नॉइस रिमूवल तो नहीं कर सकता, अगर आपके बैकग्राउंड में ही बहुत ज्यादा नॉइस है तो, बट कुछ लेवल का नॉइस कंट्रोल यहाँ पर, नॉइस कैंसलेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसका बजट आपको जाता है 4 से 4,500 के बीच में, जो काफी काफी रिजनेबल है अगर HD क्वालिटी का रिकॉर्डिंग आपको करना है तो। और इसके लिंक और आने वाले सारे के सारे जो हमारे वेबकैम्स मैंने यहाँ पर सजेस्ट किए हुए हैं, इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब चलिए सेकंड वाला देखते हैं कौन सा है। तो सेकंड वाला वेबकैम यहाँ पर जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों वो है लॉजिटेक का C930E। अब दोस्तों ये काफ़ी बेसिक है मगर इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये तकरीबन 12,500 के आसपास आप मिलता है। इसमें आप 1080p मतलब ही फुल HD रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे, और इसमें लाइट करेक्शन एंड जूम भी होता है। दोस्तों पहले नंबर वाला जो बजट वेबकैम हमने देखा है उसमें आपको जूम या इस तरीके के फीचर्स नहीं मिलते, बट इसमें आपको ये फीचर्स मिलेंगे। एडिशनली जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि आपके वेबकैम का जो कैमरा है उसके ऊपर आपको एक कैप भी मिलती है इसमें, और इसके साथ आपको एक स्टीरियो माइक्रोफोन भी मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों साइड में स्टीरियो माइक्रोफोन है। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो आपको लाइट्स भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं, सो दैट लाइट करेक्शन और लाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिले। मगर इसके बजट के हिसाब से इसमें इतनी अच्छे फीचर्स नहीं हैं जो कि हमारे नंबर 1 इसमें है। तो चलिए देखते हैं हमारा नंबर 1 कौन सा है।
नंबर वन जो है हमारा दोस्तों वो है लॉजिटेक का C920। अब ये मुझे सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसमें यह है दोस्तों कि इसमें आप फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि रहेगा 1920x1080 pixels। उसके बाद इसमें ड्यूअल स्टीरियो माइक्रोफोन्स है विद नॉइस रिडक्शन। और आखिरी जो फीचर है, ये ट्राइपॉड को भी आप माउंट कर सकते हो, मतलब ही ये जो वेबकैम है ये आप आपके लैपटॉप्स में, आपके डेस्कटॉप्स में, या फिर आप इसको डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशली ट्राइपॉड पे भी लगा सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स फेस रिकग्निशन या इस टाइप के भी होते हैं, और इसके कॉस्ट के अनुसार ये काफ़ी बढ़िया वेबकैम है दोस्तों। इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 13,000 के आसपास आता है, और हमारा जो नंबर टू था लॉजिटेक C930E, उसके हिसाब से अगर आप सिर्फ कुछ पैसे ज़्यादा खर्च कर दो तो आपको कई सारे एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं इसमें। ये हुई दोस्तों हमारी लिस्ट टॉप 3 वेबकैम्स की, जो आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी रिजनेबल और काफ़ी गारंटेड इनका आउटपुट आपको मिलता है, जिसमें आप पूरे के पूरे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। आखिरी चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भले ही आप कितना भी अच्छा वेबकैम लो, अगर आपका लैपटॉप या आपका PC ये वीडियो इनपुट को प्रोसेस करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो आपका वीडियो किसी भी हालत में लैग होने ही वाला है दोस्तों। अगर आप OBS जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जहां पर आप वीडियोस को कंपाइल करते हो, मतलब ही इंटीग्रेट करते हो आपके स्क्रीन को और आपके वेबकैम को, और अलग अलग टाइप के फिल्टर्स लगाते हो, तब आपको ग्राफिक प्रोसेस यूनिट आपका सिस्टम का बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नो मैटर आप कितना भी अच्छा वेबकैम खरीद लो, बट ये दिक्कत आपको वहाँ पर भी हो सकती है। इसीलिए कोई भी नया वेबकैम खरीदने के पहले दोस्तों ये चेक करना ज़रूरी है कि आपका सिस्टम उस वेबकैम का वीडियो इनपुट को प्रोसेस करने के लायक है या नहीं है। दोस्तों अगर आप जूम मीटिंग लेते हो तो ये प्रॉब्लम आपको लैग वाली नहीं के बराबर रहने वाली है, क्योंकि जूम मीटिंग में डायरेक्टली वेबकैम का इनपुट ऑनलाइन चले जाता है इंटरनेट के थ्रू। बट जब आप OBS में यूज़ करते हो, तब वो जो वेबकैम का जो आउटपुट है तो उसमें ज़्यादा पावर लगती है आपके सिस्टम की। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, और डिस्क्रिप्शन में ये तीनों वेबकैम्स के लिंक मैंने दी हुई है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को इस तरीके के इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगी। थैंक यू।